ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू डेविल फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ आपको बैकग्राउंड पेज इसका यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस आप लोगों के लिए मैं गाइस एक चीज कहना चाहता हूं कि गाइस मतलब ये जो वीडियो है ना गाइस, आप लोगों को अगर ऐसी सेम फोटो एडिट करना है तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है बिल्कुल कंप्लीट देखनी पड़ेगी, जिससे कि गाइस आप जब एडिटिंग करने जाओगे तो आपको गाइस मतलब कि कोई भी हार्ड वर्क नहीं लगेगा इसमें, कि मतलब कि ये फोटो काफी हार्ड होगी एडिट करने में। बट गाइस मैं आप सभी को बता रहा हूं गाइस, आप लोग इस वीडियो को पहले कंप्लीट देख लो, देन आप एडिट करने जाओगे तो गाइस आप लोगों को जो है ये फोटो एडिटिंग बहुत ही ईजी लगेगी। इस चीज की गाइस मैं गारंटी दे सकता हूं आप सभी को, बस गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे को इजीली मतलब वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो गाइस, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बाकी गाइस आप लोग आना वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, एंड अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले तो आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, एंड इसको ओपन करना आप सभी को पिक्सआर्ट ऐप में। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहां पे जो है मैंने मॉडल के अपने जो बैकग्राउंड है पहले से इरेज कर रखा, ताकि जो है गाइस आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और मैं आप सभी को जो है वीडियो में मतलब फटाफट सिखा दूँ कि आपको कैसे आपको फोटो एडिट करनी है। एंड गाइस अगर किसी भाई को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीन वीडियो के लिंक मिलेगी, उन तीनों में से आप किसी भी वीडियो को देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड इरेज कैसे करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आप लोगों को जब अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो थोड़ी कलर एडजस्टमेंट कर लेना अपनी, ठीक है, अगर आपको लगे तो यहाँ पे कर लेना, अगर पहले से ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देन गाइस आपको क्या करना है, अपने मॉडल को यहाँ पे लगाने के बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है की का PNG, ठीक है, ये जो की का PNG गाइस अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बस मैंने आपको PNG में दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको जो की आपको कुछ इस टाइप से आपको अपने यहाँ पे रखना है। अगर आपने आपके मतलब कि आपके नेक में अगर कोई मतलब कि चैन वैन हो तो आप गाइस उसमें ऐड कर लेना इसको, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे इरेज भी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इरेज टूल में जाकर हार्डनेस फुल करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पे जो है ऊपर वाला जो एरिया उसको इरेज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी की जो PNG लग चुकी है, तो अब क्या करना है गाइस, आप लोगों को सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना है गाइस आपको ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को येलो कलर की जो लाइट की PNG आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाकर इसको स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको अपने की के पास ऐसे रखना है। बट गाइस अगर आपको इसका ब्लेंडिंग मोड अगर आपको कोई और रखना तो आप वो भी रख सकते हो, एक बार हम लाइटन भी रख के देख लेते हैं, बट कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ह्यू भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये कि गाइस आप कलर जरूरी नहीं है कि आप भी मतलब कि यहाँ पे ऑरेंज ही रखो, आप कोई सा भी कलर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ह्यू में जाके आप कोई भी कलर चेंज करके रख लेना, तो मैं तो यहाँ पे अभी इसको ऑरेंज रख रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से जाना आपको ब्लेंडिंग मोड में, एंड उसके बाद आपको मतलब ओपेसिटी में जाना है, ब्लेंडिंग मोड में छोड़ दो। अब ओपेसिटी में जाने के बाद आपको उसके ओपेसिटी यहाँ पे पहले थोड़ी कम कर लेनी है, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत है नहीं हमें, तो आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक पार्टिकल का PNG, जो कि इस लोकेट के पास लगाना बहुत जरूरी है। तो आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है, एंड उसके बाद आपको साइज छोटा करना कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे जो की है आपके इसको यहाँ पे इसके पास कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख देना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, डन कर देना है। तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो है आपको फ्रंट में एक विंग्स की PNG लगानी, जो कि ये रही, ठीक है। तो आपको उसको पहले रोटेट कर लेना है, एंड उसके बाद गाइस आपको नीचे से कुछ इस टाइप से इस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो मतलब ये विंग्स की जो PNG मतलब कि जो है आपको किसी मतलब कि किसी ईगल वीगल ने जो ड्रैगन है उसने आपको मतलब कैसे करके घेर रखा है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए आपको जो कुछ स्टेप्स से लगाना है, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे नेम ये मारा होगा इस PNG का, तो आपको सिंपली इसको इरेज कर लेना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स से रखने के बाद आप इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि एडजस्ट में जाकर आपको उसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करनी है, सैचुरेशन में जाकर उसका थोड़ा सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जाना आपको यहाँ पे टेम्परेचर में आपको इसका टेम्परेचर जो है इसको कम ज़्यादा करके देख लेना कहाँ पे बेस्ट लग रहा है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा कर लेना, एंड उसके बाद कर देना इसको यहाँ पे डन, ठीक है। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे इसको सेव करना है, एंड इसको ओपन करना है लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो इसको हमने कहा लाइट रूम ऐप में पहले से ऐड कर रखा था, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको फिर क्या करना है, आपको इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है।
एंड जो ये हाईलाइट है इसको भी यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्लस करना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी माइनस कर देना है। फिर जो व्हाइट है गाइज यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है इसको भी माइनस कर देना है, जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे कम कर देना है। फिर गाइज आपको जाना है कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, ठीक है। वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद जो ऊपर टेम्परेचर दिख रहा है आपको उसको थोड़ा कम करना है। फिर आपको कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है रेड कलर में। अगर आपको रेड कलर नहीं चाहिए होगा तो आप उसका सैचुरेशन माइनस कर देना, बट इसका सैचुरेशन माइनस करोगे तो यार फोटो इतनी खास नहीं लगेगी, तो थोड़ा प्लस कर लेना। फिर आपको जाना ब्लू कलर में, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, एंड जो पर्पल कलर है इसका भी सैचुरेशन यहाँ पे थोड़ा प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको ये करना है, आपको जाना से कहा थ्री पॉइंट्स दिख रहे हैं कलर के बगल में, आपको उसमें जाना है, एंड उसके बाद आपको शेडो पे जाना है, एंड उसके बाद जो इसका सैचुरेशन आपको बढ़ा देना है, ठीक है, एंड ह्यू को जो है रेड में ही रहने देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है मिड टोन में, आपको उसका भी सैचुरेशन रेड में बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आपको जो है इसमें हाईलाइट में जाना है, एंड इसका भी सैचुरेशन यहाँ पे बढ़ा देना है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसको आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसको करना डन। फिर जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, एंड जो फोटो में विग्नेट है आपको उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। फिर उसका इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट पे लेकर आपको उसको बढ़ा देना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, एंड जिसमें नॉइज रिडक्शन दिख रहा है आपको उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।